हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स? आज हम बात करने वाले हैं लारावल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसी है, कौन से फोल्डर में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, कौन सी फाइल क्या काम आती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप नाम से डायरेक्टरी है। तो एप नाम की जो डायरेक्टरी है यहाँ पर, ये काम आती है हमारे जो एप्लीकेशन का कोर कोड जो हमारा है वो यहाँ पे रखा जाता है। और इसके बाद में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी चीज़, लेकिन पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कौन कौन सी जो फोल्डर्स हैं वो क्या क्या काम आते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी फोल्डर है हमारा बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो है यहाँ पे app.php, जो कि बूटस्ट्रैप्स हैं फ्रेमवर्क का। इसमें कुछ फाइल्स लोड होती है जो कि जैसे कि कैश वगैरह, ये सारी चीज़ें, और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वाली और सर्विसेज कैश फाइल्स इसके अंदर आपकी स्टोर रहती है, जिससे कि आपकी जो फ्रेमवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, और साथ में बूटस्ट्रैप की का भी काम करता है। ये बूटस्ट्रैप वो बूटस्ट्रैप नहीं है जो कि हम CSS का यूज़ करते हैं, वो अलग से है यहाँ पे, और ये अलग चीज़ है। इसके बाद में हमारी कॉन्फ़िग फोल्डर है, कॉन्फ़िग फोल्डर में सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, और यहाँ ये सारी चीज़ें हम एक ग्लोबल हेल्पर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, जो सारी कॉन्फ़िग फाइल्स हैं उनको हम ग्लोबल हेल्पर के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे डाटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज रहती हैं, जिससे आप कोई फैक्ट्री बनाकर उसका डाटा डाल सकते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। माइग्रेशन में हमारी सारी की सारी माइग्रेशन रहती है। माइग्रेशन का मतलब है यहाँ पे हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं हमारे डाटाबेस टेबल का, और यहाँ पे देख सकते हैं आप दो पहले ही टेबल बनी हुई हैं, एक है क्रिएट यूज़र टेबल और दूसरा क्रिएट फेल्ड जॉब टेबल, ठीक है। तो ये दो टेबल के लिए PHP फाइल बनी हुई है, और उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर में जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे, अभी हम मैंने पूरा इसको कंपाइल वगैरह नहीं किया है, तो इसलिए इसमें कुछ एक फाइल्स दिखा रहे हैं जैसे कि STXS और index.php। ये नॉर्मल जो हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पे लोड होता है वो सारी फाइलें इसके अंदर रहती है। और इसके बाद में हमारे पास है हमारा सॉरी, यहाँ से रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में हमारी वो सारी फाइलें रहेंगी जो जिसको हम व्यू और प्लस, यहाँ पर हमारा जो JS का कोड रहेगा और CSS का कोड रहेगा जो कि हमारा कंपाइल होके पब्लिक में पब्लिक फोल्डर के अंदर चला जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। प्लस यहाँ पे लोकलाइजेशन वाला भी सिस्टम रहेगा, और यहाँ पे CSS का कोड है जिसमें हम CSS का कोड लिख के हमारा कंपाइल करेंगे तो हमारा पब्लिक फोल्डर के अंदर चला जाएगा। तो मतलब एक ही फाइल हमारी क्रिएट होगी अगर हम यहाँ से कंपाइल कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट लोड होगा तो वहाँ पे एक ही JS फाइल होगी और एक ही app.css फाइल होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके जो फैच करना है आपको अपने सर्वर से, तो वो एक ही फाइल फैच करनी पड़ेगी, एक ही उसको कैच करना पड़ेगा, तो इससे आपका प्रोजेक्ट और भी फास्ट हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और व्यू के अंदर सारे के सारे व्यू रहेंगे आपको, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो MVC पैटर्न का जो V अक्षर है वो यहाँ पे आपके व्यूज़ का ये पूरा करता है। और इसके बाद में राउट्स रहेंगे, राउट्स में यहाँ पे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे web.php, जो कि आपका कोई भी डायरेक्ट राउट्स होगा। यहाँ पे और भी राउट्स हैं लेकिन उसके बाद बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है web.php का, और यहाँ पे रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज के अंदर आपको यहाँ पे व्यू का, और बाकी के मैं फोल्डर आपको बताऊंगा धीरे धीरे, सारे आप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में स्टोरेज यहाँ पे रहेगा, स्टोरेज के अंदर लॉग फाइल्स रहेगी हमारी, स्टोरेज फाइल्स रहेंगी और फ्रेमवर्क की कैच और सेशंस फाइल यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स इस स्टोरेज फोल्डर के अंदर रहेगी। इसके बाद में टेस्ट, PHP के टेस्ट यूनिट यहाँ पे पूरा इसके साथ आपको मिलेगा, जिसमें आप PHP यूनिट टेस्ट भी लगाकर अपना प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं, और टेस्टिंग के साथ कोई भी प्रोजेक्ट करना बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो मैं लेके आऊँगा कि आप PHP यूनिट पे कैसे अपने प्रोजेक्ट की API वगैरह बिल्ड कर सकते हैं, और वो नॉर्मल चीज़ से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि वहाँ पर आप नई चीज़ें भी देख सकते हैं कि अगर आप कोड में थोड़ा चेंजेस करते हैं ताकि आपका कोड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो सके, इसलिए टेस्ट का यूज़ किया जाता है। वेंडर फोल्डर, वेंडर फोल्डर यहाँ पे बनता है कंपोजर जो हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं उसके थ्रू, या कंपोजर इंस्टॉल या रिक्वायर करते हैं, तो यहाँ पे सारी फाइलें
जो बाहर से हम पैकेजेस में इंस्टॉल करते हैं वो सारी यहाँ पे आती है, ठीक है। और इसके बाद में एडिटर कॉन्फ़िग की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में ENV सबसे ज़रूरी फाइल है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे ऐप नेम रहेगा और सबसे ज़रूरी हमारा ये सेक्शन है, दूसरा ये सेक्शन है, तो ये दो सेक्शन हमारे सबसे ज़रूरी है। मेल के ऊपर काम करेंगे तो मेल ड्राइवर का यहाँ पे रहेगा, बाकी सबसे ज़रूरी ये दो सेक्शन है। अगर हम डाटाबेस से कोई भी डाटा फेच करना चाहते हैं या कोई डाटाबेस से कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो ये दो सेक्शन हमारे हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐप की भी रखी गई है जो कि लास्ट वीडियो में हमने जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लास्ट में एक नाम आया था एप्लीकेशन की जनरेटेड, तो ये वहाँ से की जनरेट हुई है और ये Base64 रहती है। और Base64 के बारे में भी मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको इस चीज़ का कंफर्म हो सके, क्योंकि Vue.js के साथ अगर हम काम करते हैं तो Base64 का थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। और ENV एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल फाइल रहती है क्योंकि जब भी हम इस प्रोजेक्ट को GitHub वगैरह पर अपलोड करेंगे तो हमारा ENV जो हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो डायरेक्ट अपलोड नहीं होती है GitHub पे, तो इसलिए इसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है .env फाइल को, ठीक है। तो इसके बाद में इसको कॉपी करके इसके जितने भी चीज़ें चेंजेस की जा सकती है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे ये काम करेगा और कैसे आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। गिट एट्रीब्यूट्स और गिट इग्नोर ये चीज़ें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब हम गिट पे काम करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिसंस की कुछ कमांड वगैरह का यहाँ पे सारा सेक्शन दिया हुआ है कि अगर कोई कमांड वगैरह रन करनी हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। कंपोजर जेएसएन में सारे सारे हमारे जो पैकेजेस इसमें इंस्टॉल हुए हैं उन सब की डिटेल हमें मिलेगी और हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल है और फुल डिटेल हमें कंपोजर लॉग के अंदर मिलेगी। यहाँ पर हम पैकेजेस का नाम वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी और जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं उनकी पूरी पूरी डिटेल पैकेज composer.log के अंदर है, तो आप ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों के इतने चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कई बार चेंजेस करने पड़ते हैं कंपोजर जेसन के अंदर अगर हमें कोई एडिटिंग करनी हो या कुछ ऐसा कोड वगैरह ऐड करना हो तो, लेकिन नॉर्मल यहाँ पर अब जिस स्टेज पे हैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। पैकेज डॉट जेसन यहाँ पर दिया गया है, पैकेज डॉट जेसन में हम npm का वो करेंगे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर कुछ एक पैकेजेज हैं जो कि यूज़ करे जाएंगे जैसे XGS हो गया या सर्वर PHP। हाँ, इस फाइल को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आपकी फ़ाइल जैसे मान लो अगर आप PHP आर्टिसन का यूज़ करते हुए यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी ये server.php फाइल होनी ज़रूरी है। अगर आपकी server.php फाइल किसी वजह से डिलीट हो जाती है तो आपका सर्वर आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं होगा। इसके बाद में है webpack.mix, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो आपको मैंने बताया था कि आपका जो जितना भी कोड है वो रिसोर्सेज js और app.js में और रिसोर्सेज sas app.scs में होगा, तो इसको यहाँ पर ये कन्वर्ट करके हमें पब्लिक js और पब्लिक css के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा और इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है जो कि परफॉर्मेंस इसकी प्रोजेक्ट की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर है, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी 10-12 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।